ओके हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट को पढ़ने के साथ साथ हम लोग एक एग्जांपल भी लेंगे, और वो एग्जांपल लेंगे कि कोई नंबर आप एंटर करोगे, अब नंबर क्या होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ डिजिट होता है, फॉर एग्जांपल 236, तो 236 में हम लोग नंबर को सेपरेट करेंगे, जैसे 2, 3, 6 लाइक दिस। तो हाउ टू सेपरेट दिस नंबर, क्योंकि अगर आप इस नंबर को कंप्यूटर में सेपरेट करना सीख जाते हो तो इसमें बेस्ट कई सवाल आपसे आसानी से बन जाता है। जैसे आप बनाते हो रिवर्स नंबर, पूछ देते हैं कई बार आपसे एग्जाम में, पैलिंड्रोम चेक, पैलिंड्रोम उसी को बोलेंगे, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने के लिए पूछ देते हैं एग्जाम में सवाल, है ना। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग फ्लो चार्ट इसी के लिए खींचेंगे कि हाउ टू सेपरेट डिजिट इन एनी नंबर, क्लियर। या शुरू में हम लोग 3 डिजिट नंबर के लिए ले लेते हैं, क्योंकि देखिए जैसे आप 256 आप मान लीजिए लिया आपने, तो 256 में हमको आपको समझ में आ रहा है कि यस देयर इज 2, 5 एंड 6, राइट, बट योर कंप्यूटर इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश इजिली 2, 5, 6। तो कंप्यूटर को उसको डिस्टिंग्विश करवाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ मैथमेटिकल लॉजिक देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में उसी मैथमेटिकल लॉजिक को पढ़ेंगे, और आपसे आपने कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी ये बातें, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। तो अब इसको कैसे समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, और फिर पहले इसका लॉजिक देख लेते हैं, और उसके बाद इसका फ्लो चार्ट भी हम लोग खींचेंगे। तो यही इस लेक्चर का मेन पर्पस होगा हम लोग का। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव नंबर 256, राइट। अब करना क्या है कि इस नंबर के हर एक डिजिट को सेपरेट करना है। अब इसको मान लीजिए आपने नंबर का डिजिट का नाम दे दिया D1, D2 एंड D3, कुछ तो आप नाम दीजिएगा, तो इस नाम को आप वेरिएबल के तौर पे ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये नंबर n है आपका, ठीक है, एंड दिस इज योर 256, ठीक। अब इस नंबर से आपको D1 को क्या करना है, सेपरेट करना, हाउ टू डू दिस। तो आप कहेंगे मैम इट इज वेरी सिंपल, हाउ, क्योंकि आप क्या करो 256 को अगर 10 से डिवाइड कर देते हो आप, तो चलिए करते हैं हम लोग बहुत बेसिक से बात करेंगे हमेशा। तो लॉजिक कैसे सोचा जाता है, इसे आपका लॉजिक डेवलप सीखना भी हो जाता है ना। तो आप देख रहे हो कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर बचा आफ्टर डिवीजन, है ना, तो दैट इज योर 6, और ये 6 कुछ और नहीं है, दिस इज योर D1, राइट। अगर आपने इसको D1 से रिप्रेजेंट किया है तो दिस इज योर D1 एंड दिस इज योर D2, दिस इज योर D3। तो आप अगर इसको लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे मैम D1 इज इक्वल टू, हम लोग लिख देंगे n मॉडुलो 10, क्यों, क्योंकि वी हैव टू ऑपरेटर, वन इज मॉडुलो ऑपरेटर एंड सेकंड वन इज डिवीजन ऑपरेटर। तो जो मॉडुलो ऑपरेटर होता है दैट ऑलवेज रिटर्न अस रिमाइंडर, है ना, एंड वी आर इंटरेस्टेड हियर इन रिमाइंडर, राइट। तो आपका जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, वो आपका नंबर है, वो रिमाइंडर है, राइट। तो आपने कोई भी सवाल आपका दिया रहे तो फर्स्ट आप थिंक करो कि हाउ टू अप्लाई सम मैथमेटिक्स, इसको मैनुअली आप कैसे करोगे, और फिर तो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना बहुत सहज हो जाता है। तो अभी हमने देखा मैनुअली क्या किया, हमने इस नंबर को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर जो आया दैट इज इटसेल्फ फॉर D1, तो इस बात को हमने यहाँ इस तरह से लिख दिया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, तो नेक्स्ट में आप कहोगे कि मैम नाउ n बिकम्स 25, राइट। तो अगर आप इस सेम प्रोसेस को 25 पर आप अप्लाई कर दीजिए, तो मैं इसको कर ही देती हूँ, 10 से फिर आप डिवाइड करते हैं तो आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि आप मैम आई गॉट 5, तो 5 कुछ और नहीं है, आपको क्या मिला, दिस इज योर D2। आप मेरे साथ लगातार कंटिन्यूअसली देखते रहे, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो 5 क्या हो गया आपका, D2 हो गया। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप अभी तो कंप्यूटर को कैसे पता पड़ा, कंप्यूटर में देखिए गौर से मेरी हर एक बात समझिएगा, अगर मैंने यहाँ फिर से मैंने क्या किया n modulo 10 लिख दिया, तो ये कंप्यूटर को n दे देगा, क्या दिखाई देगा 256, तो मामला तो फिर से D2 भी 6 ही हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बात तो सही है, तो आप क्या करोगे, तो n को चेंज करोगे, n को चेंज किससे करोगे, 25 से, एंड हाउ विल यू गेट 25, तो आप कहोगे कुछ भी डिविजन का वैल्यू है ये, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मॉडुलो के बजाय यहाँ डिवीजन ऑपरेटर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डिवीजन ऑपरेटर।
तो आप देख रहे हो कि जब आपने डिवीजन ऑपरेटर लगाया तो नाउ दिस एन बिकम्स व्हाट 25, एन क्या बन गया आपका 25। अब आपका जब 25 बन गया तो डी टू कैसे निकालोगे, तो इट इज वेरी सिंपल कि एन पर मॉडुलो 10 कर दो आप, तो जो अभी एन क्या था, एन हाइट वेरिएबल में बना लेती हूँ ना 256, तो अब इस 256 के जगह आपका कंप्यूटर क्या लिख दिया है 25 इन दिस लाइन, है ना। तो अब इस 25 पर जब आपने 10 को फिर से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर क्या निकल गया, 5 निकल गया। तो आप कहोगे यस गुड, तो D1 एंड D2 तो हमने सेपरेट कर लिया, उससे हमको फाइंड आउट हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करोगे, तो अब आपको फिर से निकालना है D3, तो आप क्या करो, ये 2 को निकालना होगा, 2 कैसे निकालोगे, तो अगेन देयर विल बी n डिवाइड बाय 10, नाउ यू आर हैविंग 2 ओनली, तो आप D3 बराबर क्या लिखोगे, n मॉडुलो 10, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, n मॉडुलो 2 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो ये डिवीजन तो होना नहीं है, रिमाइंडर 2 ही रह जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो आपने क्या देखा कि D1 D2 D3 आपने किस तरह से फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले आपके पास काम चाहे कोई सा भी हो उसका लॉजिक सोच लीजिए, जब आपने लॉजिक सोच लिया तो नाउ इट इज वेरी सिंपल टू राइट डाउन टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। तो अब आप फ्लो चार्ट कैसे खींचोगे, तो आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो आप देख लो, फ्लो चार्ट में कुछ खास सिंबल होते हैं हर एक स्टेप को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट वी हैव टू फॉलो, राइट। तो अब इसी के लिए मान लीजिए आपको फ्लो चार्ट खींचना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना है, है ना, आपका प्रोग्राम क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तो आप स्टार्ट को ओवल शेप में लिखते हैं हमेशा, ये शेप आप चेंज नहीं कर सकते हो, इस बात को ध्यान आप दो, ठीक है। फ्लो चार्ट में जो सिंबल जो शेप जिस काम को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, वी हैव टू टेक केयर, राइट। तो स्टार्ट और एंड के लिए हमेशा अपन क्या लेते हैं, फ्लो चार्ट लेते हैं, ओवल शेप लेते हैं। अब देखो इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोगों का जो शेप होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल शेप, ठीक है। तो यहाँ हमने रेक्टेंगल ले लिया, क्यों ले लिया, तो यहाँ आप क्या करोगे, कोई भी इनपुट करोगे, कितना इनपुट, एनी 3-digit number, है ना, यहाँ कोई भी इनपुट 3-digit number का आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे 256, 546 या 4-digit number करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने यहाँ 3-digit number क्या किया, इनपुट कर लिया। तो अब यहाँ पे गौर करो, ये इनपुट या आउटपुट के लिए यही आपको जो है ना, इसको क्या बोलोगे आप, कौन सा शेप बोलोगे, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम शेप हो गया ना ये, दिस इज योर पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आप इनपुट आउटपुट को आप इसी शेप में दोगे, क्योंकि रेक्टेंगल देते तब तो कुछ इस तरह का बन जाता ना, दैट वी डोंट वांट, वी वांट दिस। तो ये सब शेप फिक्स है, ठीक है, कि ये शेप से ही पता चलता है फ्लो चार्ट में कि ये स्टेटमेंट मेरा किस प्रकार का स्टेटमेंट है। तो फ्लो चार्ट में हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को इसी शेप में देते हैं, कोई दिक्कत आपको, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। जब आपको ये नंबर पता पड़ गया तो अब अगला काम आप क्या करोगे, आप डिजिट को फाइंड आउट करोगे, क्या करोगे, डिजिट को फाइंड आउट करोगे। तो डिजिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D1 is equal to n modulo 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप सबसे पहले क्या किया, जब n में इनपुट किया तो ये नंबर कहाँ गया, n में चला गया, तो n में जब नंबर चला गया तो now you are doing what, D1, है ना, D1 कैसे निकाला आपने, तो modulo करके निकाल लिया, ठीक है। तो आप जो नॉर्मल प्रोसेसिंग होता है प्रोग्राम का, that you always put it inside rectangle, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बॉक्स में हम लोग ये सब पुट करते जाएंगे, जो जो नॉर्मल प्रोसेसिंग होता जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब D1 निकल गया तो N को क्या किया, देखो आप N को आपने N को भी चेंज किया ना, N मॉडुलो 10 से, है ना, चेंज किया। नेक्स्ट आपने क्या किया, आप चाहो तो ये सारे स्टेप्स को एक बॉक्स में भी रख सकते हो, ठीक है, एक ही बॉक्स में डाल करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब का सब क्या है, नॉर्मल प्रोसेसिंग है। तो इसके बाद आपने क्या लिखा, देखो जो आपने यहाँ लिखा है वही मैं उतार रही हूँ, n d2 n modulo 10, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने फिर क्या किया बोलो, आपने किया क्या, n डिवाइड बाय n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, अगेन रिपीटेड स्टेटमेंट, और ये फिर क्या किया आपने, d3 लिखा। तो देखो d3 लिखा और आपको फिर क्या हुआ, सारे जो डिजिट थे 3-digit number थे आपके पास, तो आपके
तीनों डिजिट आपने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, तो आप लास्टली आप क्या करोगे, आप करोगे प्रिंट, क्या प्रिंट करोगे डिजिट को, है ना, प्रिंट डिजिट ऑफ द नंबर, प्रिंट D1, D2, D3, इसको आपने क्या किया प्रिंट कर दिया, और यहीं पर आप क्या करोगे स्टॉप कर जाओगे, यही काम था इस प्रोग्राम में आपका, है ना, आपका क्या हो गया यही काम था। तो अब आप कहोगे कि मैम इज इट करेक्ट, मैं कहूंगी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने इसमें क्या सीखा, तो आपने सीखा कि जो स्टार्ट या स्टॉप होता है कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो उसमें जरूर से जरूर क्या होगा, चाहे प्रोग्राम कोई सा भी हो तो स्टार्ट तो आप करोगे ही और स्टॉप तो आप करोगे ही, है ना। तो इसीलिए आपने यहाँ एक स्टार्ट दिया और यहाँ क्या दिया आपने स्टॉप दिया, तो ये हमेशा ओवल शेप में ही आपको देना है। दूसरी बात, कोई सा भी प्रोग्राम हो अगर आप फ्लो चार्ट खींच रहे हो तो आपको हमेशा क्या देना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। तो इसमें भी देखिए ये आपका इनपुट स्टेटमेंट है, दिस वन इज आउटपुट स्टेटमेंट, वेरी क्लियर। तो अब आप क्या करोगे कि ये जो आपकी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है ये आप किस शेप में दोगे, तो आप इसको पैरेललोग्राम शेप में दोगे हमेशा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये सब नॉर्मल प्रोसेसिंग है आपका जो आपको करना है। तो उसको आपने क्या दिया रेक्टेंगल शेप में सबको दे दिया, एरो का मतलब इसके बाद क्या होना है। तो दिस इज कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ योर प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग डिजिट ऑफ एनी थ्री डिजिट नंबर, ऑल डिजिट ऑफ एनी थ्री डिजिट नंबर, ठीक है। अपने आप से तो ये प्रिंट करता नहीं है, सारे डिजिट को आपको सेपरेट करना पड़ता। तो अब इसी में थोड़ा सा देखिए मॉडिफिकेशन करने का हम लोग कोशिश करते हैं। अब आप गौर से देखिए कि जो है आपका क्या हो रहा है, ये जो स्टेप है ये देखिए आपको हमेशा क्या हो रहा है, गौर से देखिए तो ये रिपीटेड स्टेप है, नहीं एन मॉडल टेन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब चलो इसमें हम लोग कुछ काम करते हैं, अब क्या करते हैं, अब इसमें कई बार आपसे प्रोग्राम में पूछ दिया जाता है कि आप सारे डिजिट को का सम प्रिंट कीजिए, तो इट इज वेरी सिंपल नाउ ना। अगर आपको प्रिंट यहाँ पर लिख दिया जाए, मैं अब इस तरफ मिटा देती हूँ, अब इसमें चेंजेस करती हूँ मैं, कि अब देखो आप क्या क्या कर सकते हो इसमें। अगर आपको पूछ दिया जाए कि भाई आप प्रिंट प्रिंट सम ऑफ ऑल, प्रिंट सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी थ्री डिजिट नंबर, ठीक है, एनी थ्री डिजिट नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जैसे आपने इनपुट किया 356, राइट, तो ये क्या कर रहा है कि अब आप क्या करो कि 356 के हर एक डिजिट का सम प्रिंट करो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सम कितना हो जाएगा, 5 + 3 = 8 + 6 + 8 + 2 = 10 + 4 = 14 हो गया, है ना। तो now you want to print this sum of the digit, तो it is also very simple to print now ना, कि जब आपने ये digit find out करना शुरू कर दिया, सीख लिया, तो अब आप यहाँ क्या करोगे, simply क्या लिख दोगे, D1 + D2 + D3, तो वो क्या करेगा, D1 + D2 + D3 के तीनों के sum को print करेगा, getting my point। अब इसी में देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको। अब ये तो हो गया सम ऑफ डिजिट प्रिंट करने का, अब आपसे इसी में पूछ दिया जाए कि प्रिंट रिवर्स ऑफ द नंबर, अब इसी का क्या पूछ दिया जाए, प्रिंट रिवर्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर, राइट। अब आपसे पूछा गया है कि अब आप क्या प्रिंट करोगे, रिवर्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर, ठीक। तो रिवर्स इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मैम इसको जब हम लोग उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 653, राइट। तो अब इसका रिवर्स आपने कैसे फाइंड किया, तो गौर से देखिए जो आपका D1 है, ठीक है, वो ये कैसे फाइंड आउट किया, तो आपने क्या किया है, D1 × 100 थ्री डिजिट नंबर है तो, और फिर क्या किया है, D2 × 10 एंड D3 × 1, कुछ गलत किया क्या मैंने, यस, नहीं, आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग, आई एम डूइंग करेक्ट, कि आप क्या किए, जो वन पोजीशन पर जो नंबर है उसको आपने क्या किया 100 पोजीशन पर पहुंचाया, तभी ना रिवर्स होगा, आखिर रिवर्स कैसे होगा। तो हम क्या किया कि ये जो D1 है जो वन पोजीशन पर है उसको 100 पोजीशन पर आप कैसे लाएंगे, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जो सेकेंड डिजिट नंबर है D2, अब उसको कहाँ आप पहुंचाएंगे, वो तो एज इट इज 10th प्लेस पर रह जाएगा, तो उसको आप क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, जिसको हिंदी में आप इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हैं ना,
तो 100 प्लस मतलब सैकड़ा के प्लस पर, 10 प्लस मतलब दहाई के प्लस पर, इकाई मतलब वंस का प्लस, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर रहे हो, देखो, और जो आपका 100 प्लस पर नंबर था उसको कहाँ पहुंचा दिया, वंस प्लस पर, इसीलिए आपने क्या मल्टीप्लाई किया, डी थ्री इंटू वन। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके डी वन आपका क्या हो गया, 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3, तो देखिए आपको मिला क्या, 600 प्लस 50 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 653, दैट यू वांट, यही चाहते हैं ना, 653। तो अगर आपको रिवर्स ऑफ नंबर प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम आ जाए, या आपको फ्लो चार्ट आ जाए, या एल्गोरिदम आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर एल्गोरिदम भी मान लीजिए इसमें आ गया आपको लिखने के लिए, तो आप क्या लिखिएगा, फर्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा स्टार्ट प्रोग्राम, सेकंड लाइन में लिख दीजिएगा स्टेप नंबर टू, इनपुट थ्री डिजिट नंबर, एनी थ्री डिजिट नंबर, फिर थर्ड लाइन में लिखिएगा फाइंड आउट डी वन लाइक दिस, फिर लिखिएगा दिस दिस दिस, सबको अंग्रेजी में लिख करके स्टॉप कर दीजिएगा, तो वो आपका क्या हो गया, एल्गोरिदम हो गया। अगर आपसे कह दिया नहीं आप फ्लो चार्ट खींचिए, तो आप बस इसको ध्यान में रखिएगा कि किस डब्बा को हम किस पर्पस से इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया इसका प्रोग्राम लिखिए, दैट्स आल्सो वेरी सिंपल, तो डोंट बी कंफ्यूज टू मच हियर, राइट। हम लोग एक एक करके सब आराम से समझते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अब इसका रिवर्स के लिए हम लोग केवल लॉजिक क्या चेंज करना पड़ेगा, तो आप कहोगे मैम यहाँ पर आप लिख दीजिए वही डी वन इंटू 100, तो लिख दिया मैंने, प्लस डी टू इंटू 10 प्लस डी थ्री इंटू 1, है कि नहीं, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी कमजोर है नहीं, तो इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ, लीजिए। अब आप प्रिंट क्या करोगे, रिवर्स नंबर प्रिंट करने के लिए, तो आप लिखोगे डी वन इंटू 100 प्लस डी टू इंटू 10 प्लस डी वन इंटू 1, सॉरी डी थ्री इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका क्या प्रिंट कर दिया, रिवर्स ऑफ एनी थ्री डिजिट नंबर। तो देखिए आपको मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड डिजिट फ्रॉम एनी थ्री डिजिट नंबर। अगर फोर डिजिट नंबर रहेगा तो एक स्टेप और आप बढ़ा देंगे, फाइव डिजिट नंबर रहेगा तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे, बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद आपको क्या मैंने बताया कि हाउ टू सम ऑल डिजिट ऑफ द नंबर, हो गया क्लियर। फिर सेकेंड मैंने क्या बताया आपको कि अगर इसी नंबर को रिवर्स में प्रिंट करना रहा, तो चूंकि आपको डिजिट फाइंड करना आ गया है, तो आपने क्या किया, जो वंस का प्लेस था उसको 100 प्लेस पर नंबर को डिजिट को पहुंचा दिया, और उसको रिवर्स करके क्या किया आपने, प्रिंट कर लिया। इट इज वेरी सिंपल ना। अब देखिए इसी पर बेस्ड एक और सवाल है, उसको भी हम लोग बनाते हैं। तो अब कहता है कि चेक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, चेक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। अब मैं बताती हूँ आपको आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ठीक है। चेक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ, चेक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ एनी थ्री डिजिट नंबर, ठीक है। तो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये भी इसी से संबंधित है। आप देखो इसको बनाओ, पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो देखिए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है कि अगर इन सारे डिजिट का, ठीक है, क्यूब का सम, ठीक है, क्यूब का सम इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर के, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर ये नंबर आर्म स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए आपसे पूछा जाता है, या आपका पैलिंड्रोम चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए अगर पैलिंड्रोम भी चेक करने के लिए आ गया, तो दैट इज ऑल्सो इजी ना, ये रिवर्स नंबर आपको पता पड़ गया। चलिए पहले पैलिंड्रोम कर लेते हैं, तो रिवर्स ऑफ द नंबर आ गया, तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए ये जो आपका नंबर आया इसको आप एक कंडीशन में डाल दीजिएगा, है ना। अब वो कंडीशन में कैसे डालेंगे, मान लीजिए इस वैल्यू को आपने ले लिया, एन में ही डाल दीजिए, ठीक है। ये जो रिवर्स नंबर आपने निकाला दैट इज इक्वल टू एन, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नो प्रॉब्लम। तो यहाँ एन चूंकि आपका क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो बिफोर चेंजिंग योर डाटा एन, आपको यहाँ क्या करना चाहिए, इसको किसी N1 नाम के वेरिएबल में रख लेना चाहिए, है ना। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये जो 356 है, नाउ आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन नाउ इट बिकम 653, क्योंकि आपने क्या किया है, रिवर्स कर दिया, समझ में आ रही बात, रिवर्स कर दिया। तो जब आपने रिवर्स कर दिया, तो अब आप इसका क्या हो गया, रिवर्स करने के बाद ये नंबर आपका क्या बन गया, तो आप कहोगे मैम ये बन गया 653।
तो अब तो ये एन में क्या है 653, तो इसको चेंज करने से पहले आपने एन वन में क्या रख लिया है एन को, यानी 356। तो अब यहाँ स्टॉप करने के बजाय आप क्या करोगे, कंडीशन चेक कर लोगे कि भाई ये नंबर आपका पैलिंड्रोम क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो देखो कंडीशन जब कभी भी लिखा जाता है तो कंडीशन ऑलवेज पुट इनटू डायमंड शेप, ठीक है। देखिए या इसमें फिर ये भी बात फिक्स है, तो डायमंड शेप में आपको क्या लिखना होता है, कंडीशन कैसे चेक करते हो, इज एन इज इक्वल टू एन वन, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो मैं जगह के कमी के कारण इसको ऊपर लिखती हूँ, ठीक। तो या तो ये कंडीशन ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अगर ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो आप यहाँ आउटपुट क्या दोगे, देखो तब आप आउटपुट दे दोगे कि यस नंबर इज पैलिंड्रोम, नंबर इज पैलिंड्रोम, ठीक है। नंबर इज पैलिंड्रोम, ठीक है, नंबर इज पैलिंड्रोम, राइट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे कि नो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। घबराइएगा नहीं, मैं फिर बताऊंगी अभी आपको, ठीक है, मेरे साथ सभी को बने रहना है, बिल्कुल समझ में आएगा हर एक बार, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। देखिए कितना सिंपल है, आपको मैंने 10 मिनट में कितना सवाल बता दिया, पैलिंड्रोम, ठीक है, कि ये क्या हो गया कि अगर ये फॉल्स हो गया तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया कि आप अच्छा ये नंबर इज पैलिंड्रोम, अभी इसको हटाओ, आप मशरूम को हटाओ, आपने क्या चेक किया, चेक पैलिंड्रोम, चेक पैलिंड्रोम ऑफ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं, जैसे देखो आप 2121, तो 121 जो है वो पैलिंड्रोम नंबर है। बोलो क्यों, क्योंकि जब आप इस 121 को रिवर्स करोगे तो ये क्या रह जाएगा, 121 ही रह जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। तो आपने क्या किया कि जो स्टार्ट में n n 200 121 था, दैट गोज इनटू n1, राइट। अब आपने क्या किया, उसका रिवर्स नंबर का क्या किया, रिवर्स नंबर फाइंड किया और उसको किस में डाल दिया आपने, n में डाल दिया, ठीक। अब आपने क्या किया, कंपेयर किया कि क्या n इक्वल टू n1 के है, अगर है तो वो नंबर क्या होगा, रिवर्स तभी होगा ना इक्वल, जब आपका नंबर क्या होगा, पैलिंड्रोम, ठीक। अब मान लीजिए आपने डाल दिया 121 या 131 आपका नंबर है, तो ये सब पैलिंड्रोम होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इनपुट कर दिया 144, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 441, तो इज इट पैलिंड्रोम, तो आप कहोगे नो सॉरी इट इज नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर है ना, इट इज नॉट पैलिंड्रोम बट दिस वन इज पैलिंड्रोम, तो हु इज चेकिंग इट, दिस वन। क्लियर हुआ, तो ये हो गया आपका पैलिंड्रोम चेक करने का आपका क्या फ्लो चार्ट। तो हम जगह की कमी के कारण ऊपर लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप स्टॉप करेंगे, लेकिन आप लोग जो है इसको नीचे लिख करके स्टॉप कर दीजिएगा। तो यहाँ ये हो गया, अब हम लोग बात करते हैं किसका, आर्मस्ट्रॉन्ग का। देखिए इसी में मैं चेंज करूंगी, अगर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करना है तो हाउ टू डू दिस, तो आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए आपको क्या हो जाएगा, हाउ टू आर चेक इट, तो आप कहोगे मैम आर्मस्ट्रॉन्ग में भी आपने बताया कि अगर डिजिट का क्यूबिक सम इक्वल टू उस नंबर के हो जाए, ठीक है, क्यूबिक सम यानी D1Q प्लस D2Q प्लस D3Q जो आएगा वो सम इक्वल टू किसके हो जाए, ओरिजिनल नंबर के बराबर, तो आप क्या कहोगे कि यस दिस नंबर इज पैलिंड्रोम, राइट। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो डिजिट आपने फाइंड आउट किया उस डिजिट का हमको क्यूबिक सम निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, D1 × D1 × D1 थ्री टाइम्स, उसी प्रकार से D2 को मैं क्या लिखूंगी, D2 × D2 × D2 थ्री टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली D3 को मैं क्या लिखूंगी, D3 × D3 × D3 थ्री टाइम्स, और तीनों को मैं क्या करूंगी, सम कर दूंगी। तो अगर ये n इक्वल टू किसके हो जाए, n1 के, है ना, क्यूबिक सम अगर आपका इक्वल हो गया तो अब आप क्या कहोगे कि यस दिस नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, अदरवाइज इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर फ्लो चार्ट ऑफ द आर्मस्ट्रॉन्ग, चेकिंग ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर हुआ सब लोग को, तो सब आप लोग बताओ आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, मैं थोड़ा सा फास्ट मूव की हूँ लेकिन कोशिश तो किया मैंने समझाने का, बोलो
समझ में आया क्या? या कहीं डाउट है तो सवाल रख सकते हो। यस बोलो, इज देयर एनी डाउट? नो मैम, नो मैम। नहीं डाउट है तो मैं फिर आगे मूव कर जाऊंगी, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, देखो मैंने सबसे पहले बताया कि आप किसी भी 3 डिजिट नंबर को क्या करोगे, इनपुट करोगे। इनपुट करने के बाद मैंने बताया कि हाउ टू फाइंड ऑल डिजिट फ्रॉम दिस नंबर, ठीक है? फिर मैंने सबको सम करने के लिए सिखाया कि उसका कैसे प्रिंट करोगे। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया आपको कि पैलिंड्रोम नंबर रिवर्स चेक करना बताया है ना, पहले रिवर्स फाइंड करना बताया। तो रिवर्स जब आपने फाइंड कर लिया तो मैंने बताया कि इस नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ऑडियो ऑफ कर दो। यस प्लीज ऑडियो ऑफ कर दो। इस दिस नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, ये चेक करना सिखाया। फिर मैंने आपको आर्मस्ट्रांग चेक करने के लिए बताया। तो जहां तक मेरा ध्यान है, आपका इसी तरह का सवाल डिजिट पर पूछा गया है पीछे के ईयर में, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर ऑल दीज ऑल्सो, राइट? आप चाहो तो आप इसके करस्पोंडिंग खुद से प्रोग्राम भी लिख सकते हो, यू मे ट्राई इट, राइट? तो आप लोग चाहो तो प्रोग्राम लिख सकते हो खुद से, क्या? लेट यू ट्राई। बोलो। तो चलो मैं थोड़ा सा इसमें प्रोग्राम के तरफ भी मैं काम करती हूँ। सबसे पहले मैं प्रोग्राम लिखती हूँ किसका, डिजिट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है? तो अगर इसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ा तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो कहोगे मैम कुछ नहीं है, मेन से स्टार्ट कीजिए, है ना? तो नाउ आई एम राइटिंग हियर मेन। मेन में कौन कौन से वेरिएबल हमारे पास है? एक पहले दो इंट ले लो, एन, फिर कॉमा एन वन, फिर डी वन, डी टू, डी थ्री, ठीक है? फिर क्या मैसेज प्रिंट कर दोगे? इंटर एनी 3 डिजिट नंबर, इंटर एनी 3 डिजिट नंबर, इंटर एनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है? और यहाँ पर क्या करोगे आप, स्कैन कर लोगे कोई भी 3 डिजिट नंबर, उसको मान लो एन में डाल लिया आपने, है ना? और इस एन के वैल्यू को आपने किस में डाल लिया, एन वन में, ठीक है? क्योंकि एन तो अब आपका चेंज होने वाला है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो डी वन इज इक्वल टू व्हाट, एन मॉडुलो 10, कॉमा देकर के मैं सेम लाइन में लिख ही सकती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा सेम लाइन में, देखो डी वन के बराबर क्या लिखा है, एन मॉडुलो 10। फिर इसके बाद क्या है, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, ठीक है? फिर आप क्या लिख रहे हो, डी टू इज इक्वल टू व्हाट, एन मॉडुलो 10। फिर क्या लिखा है, एन इज इक्वल टू व्हाट, एन डिवाइड 10, है ना? फिर आपने क्या लिखा, डी थ्री इज इक्वल टू एन मॉडुलो 10, है ना? देखो मैंने तो बस इस स्टेप को कॉपी कर दिया प्रोग्राम में, ठीक है? अब अगर आपको सम प्रिंट करना है, सम प्रिंट करना है तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट एफ, यहाँ क्या लिखोगे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल टू परसेंट डी, है ना? और फिर क्या लिख दोगे, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, ठीक है? तो ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज हो गया, सही है? जब ये प्रोग्राम क्लोज हो गया तो ये किस किस बात के लिए आपने प्रोग्राम लिखा? तो आप कहोगे मैम इट इज प्रोग्राम फॉर राइटिंग 3 डिजिट नंबर, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर। अब मैं इस प्रोग्राम को इसको लिख देती हूँ फाइंड करने के लिए रिवर्स ऑफ द नंबर, ठीक? तो रिवर्स में मैं क्या करूंगी, सम की जगह लिख दूंगी मैं रिवर्स ऑफ नंबर, ठीक है? रिवर्स ऑफ नंबर। तो रिवर्स ऑफ नंबर को मैं कैसे लिखूंगी, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप यहाँ क्या करोगे, कैसे लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ सिर्फ चेंज क्या कर दोगे, d1 into 100 प्लस d2 into 10 प्लस d3 into 1। देखिए नंबर को जब आपने डिजिट को सेपरेट कर लिया तो कितना सारा प्रोग्राम आपने बना दिया, है ना? तो अभी एक लाइन चेंज किया आपने तो आपका बन गया क्या, पहले तो सारे डिजिट का सम आपने प्रिंट कर दिया, अब क्या प्रिंट किया आपने, रिवर्स ऑफ द नंबर प्रिंट किया। अब आप चाहो तो क्या, अच्छा रिवर्स ऑफ द नंबर प्रिंट किया तो अब इसी को मैं पैलिंड्रोम चेक करने का प्रोग्राम लिख देती हूँ। तो अब आप क्या करोगे, पैलिंड्रोम चेक करना है तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, और इसको क्या करती हूँ मैं,
जो n वेरिएबल है इसमें, अब मैं मान लो एक नाम थोड़ा आपको समझने के लिए रिवर्स नंबर rn ले लिया, ठीक है। तो rn यानी रिवर्स नंबर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मैम आप लिखिए d1 into 100 plus d2 into 10 plus d3 into 1, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, रिवर्स ऑफ द नंबर। तो अब आप चेक करोगे कंडीशन कैसे लिखते हो, इफ n1 आपका जो इनिशियल नंबर है वो किसके पास है, n1 के पास। अगर ये n1 किसके बराबर है, rn के, रिवर्स नंबर के, तो आप क्या प्रिंट करोगे कि यस दिस नंबर इज, दिस नंबर इज पैलिंड्रोम, दिस नंबर इज पैलिंड्रोम। रिवर्स अगर बराबर है तो वो क्या हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, है ना। और नहीं तो एल्स में क्या प्रिंट करोगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या प्रिंट करोगे, आप प्रिंट कर दोगे नो नो दिस इज नॉट, दिस इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है ना। तो ये आपका पैलिंड्रोम नहीं है, क्लियर। अब उसी तरीके से तो आपका देखिए पैलिंड्रोम चेक होने का भी प्रोग्राम मैंने बता दिया, रिवर्स फाइंड करने का भी मैंने प्रोग्राम बता दिया, डिजिट सम का भी प्रोग्राम, बस एक लाइन चेंज करो सारा प्रोग्राम चेंज हो जा रहा है ना। इसी में अगर आप कर दो कि मैम आर्मस्ट्रांग नंबर भी चेक कर लीजिए, तो मैं क्या करूंगी इस डिजिट का क्यूबिक मल्टीप्लीकेशन निकाल लूंगी। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, डी वन इंटू डी वन थ्री टाइम्स, डी टू इंटू डी टू थ्री टाइम्स, डी थ्री इंटू डी थ्री थ्री टाइम्स, है ना। तो इसमें अब आप क्या चेक कर रहे हो कि अगर ये नंबर के बराबर है तो आप क्या करोगे, दिस नंबर इज आर्मस्ट्रांग, है ना। अगर क्यूबिक सम आपका क्या है, बराबर है, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, है ना, आर्मस्ट्रांग हो जाएगा आपका, ठीक है। दिस नंबर इज आर्मस्ट्रांग। और अगर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, दिस नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग, क्लियर और नॉट। तो देखो आपके इस आधे 40 मिनट के लेक्चर में मैंने इसमें आपके कम से कम 3 या 4 प्रोग्राम आपको बता दिया, पिच फ्लो चार्ट, ठीक है। तो एंजॉय दिस वीडियो एंड सी अगेन एंड अगेन। देखिए जितना सिंपल मेरे लिए इसको खींचना है फटाफट, उतना सिंपल आपके लिए अपने से लिखना इतना आसान नहीं होगा। तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, बार बार देखना है, और फिर खुद से लिखने का अभ्यास करना है, ठीक है। लॉजिक 2-3 बार अगर वीडियो को रिमाइंड करके देख लोगे 2-3 दफा, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में ये लॉजिक पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, फिर आप खुद से बहुत आसानी से लिखोगे एंड सर्टेनली यू विल एंजॉय एल्गोरिथम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। चलो तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।